ऑटो एक्सपो 2023 में आप सबका स्वागत है। जब मैं जोंटस के पेविलियन पे आया ना, इस बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। दिस इज़ द U1 200। लेकिन क्यों अट्रैक्ट किया? ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स येट नेकेड बाइक है। अब इसकी जो ओवरऑल लुक है ना, इतनी वर्सेटाइल लुक है और इतने वर्सेटाइल फीचर्स के साथ ये आती है, आप हैरान हो जाओगे। मुझे ये U1 200 बहुत पर्सनली पसंद आई। लेकिन क्यों पसंद आई और क्या इसमें कमियां हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अपलोड किया ऑटो एक्सपो का और आगे भी करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। नहीं, पहले इसकी सबसे स्पेशल चीज़, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इतना तो यार कई बार कार्स में नहीं होता और कुछ एडवेंचर बाइक्स में इससे कम होता है। लेकिन इसमें आपको इस तरीके का सेटअप मिल जाता है कि हर तरह के टेरेन में जाने के लिए ये केपेबल है, सक्षम है। बात करना चाहूँगा इसके टेरेन केपेबिलिटीज़ के बारे में, तो ब्लॉक पैटर्न टायर्स है, 17 inches के स्पोक व्हील्स मिल जाते बिकॉज अलॉयज थे, ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे। साथ में आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर की जाती है विद ड्यूल चैनल ABS। लेकिन चलो, ये तो एडवेंचर केपेबिलिटीज़ होगी, बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन वाइज दिस इज़ अ 198 cc इंजन, 21.5 हॉर्स पावर जनरेट करता है ये, और साथ के साथ 19 Nm की टॉर्क भी, और बहुत ही अच्छे RPM बैंड पे इसकी टॉर्क जनरेशन होती है। नाउ लेट्स मूव टू वेरी स्पेसिफिक पार्ट, इसकी लाइट्स ड्यूल बोर्ड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ आते हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और साथ में आपको LED ही ट्रीटमेंट मिल जाता है ऑन द इंडिकेटर्स, और वहाँ पर भी आपकी डिटेलिंग ध्यान से देखोगे तो कवर किया हुआ है ताकि वो जल्दी डैमेज ना हो कोई बड़ी चीज़ अगर लगे। हालांकि ये फ्लेक्सीबल नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल नहीं, बट हाँ कुछ हद तक फ्लेक्सीबिलिटी इसमें ऐड की गई है। USDs अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन आपको मिल जाएगी और साथ में पूरी कवरिंग मिलेगी ABS की बैजिंग ड्यूल चैनल ABS के साथ, पूरा मडगार्ड फ्रंट के लिए एडवेंचर बाइक और ज़्यादा एडवेंचर दिखाने के लिए। और ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा आपको गैप मिल जाता है, यानी कि आपके पास पोजीशन बहुत है, आपके पास एरिया बहुत है फॉर ऑफ रोडिंग। जितने भी ज़्यादा खड्डे आएंगे संभाल लेगी। केस देख रहे हो, एल्यूमिनियम जैसी, काफ़ी हद तक एल्यूमिनियम की बनाई गई है और पूरी जैसी जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया, और साइड पे भी आपको साइड पे पूरी फेयरिंग आ जाती है तो प्रोटेक्शन भी रहती है और ऑफ कोर्स लुक भी बहुत बढ़िया आ जाती है। जोंटस का बैज इधर मिलेगा, मैट ब्लू फिनिशिंग है, ऑरेंज बीच में डेकल्स है और साथ में 200 की बैजिंग आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगी, और जोंटस का ZT और U1 और 200 की बैजिंग साइड पे भी दिख जाएगी। ओवरऑल व्हील बेस भी देखेंगे तो 1420 mm का मिल जाता है, मुझे ये सही लगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ा शॉर्ट टाइम रखा गया। उसका बेनिफिट ये आपको मिल जाता है कि सिटीज़ में तो चलो ऐसे से निकलना इजी हो जाएगा, लेकिन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में भी इसकी हैंडलिंग और कंट्रोलिंग बेटर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाएंगी, वाइड है काफ़ी कंफर्टेबल सीट प्रोवाइडेड होगी फॉर श्योर। पैडिंग भी मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ऑफकोर्स जब इसे ड्राइव करेंगे समझेंगे तो बेटर पता लगेगा। फ्यूल टैंक के ऊपर भी आपको ये प्लास्टिक कवरिंग दी गई है, 12.5 liters का पूरा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, विच इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। और साथ के साथ आपको मिल जाती है इसमें 6-speed का गियर बॉक्स है, तो 5 होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, 6-speed से रिफाइनमेंट भी आपको पूरी मिलने वाली है। कंफर्ट के लिए आपको मोनोसॉक सस्पेंशन भी प्रोवाइडेड है, वो भी 7-step एडजस्टेबल, और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म थोड़ी कर्वी मिल जाती है और ज़्यादा वेट नहीं लेके आएगी, और ऑफ कोर्स मफलर डिज़ाइन भी आपको काफ़ी शॉर्ट मिलेगा ताकि डैमेज भी ना हो और दिखने में भी अच्छा लगे, और ये सारी चीज़ें नेकेड ही रखी जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूल चैनल ABS भी इसमें प्रोवाइडेड है। 17 inches का ही रियर आपको स्पोक व्हील मिलेगा, दिखने में सही लग रहा है। ओवरऑल वेट अगर हम बाइक की बात करें तो 150 kgs है, जो कि हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन को या ओवरऑल वेट को तो जोंटस को हैट्स ऑफ के, इतने सारे फीचर्स 200 cc के इंजन होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ वेट इसका 150 kgs ही है, और साथ में आपको ऑफकोर्स चेन ड्रिवन सिस्टम सारा मिल जाता है। यहाँ पर हालांकि मुझे लगता है कि एक बड़े मडगार्ड की कमी महसूस होगी, हालांकि विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी विड्थ उससे भी कम है, विच मीन्स थोड़ा सा मड ऊपर तक आ सकती है और थोड़ा ये डर्टी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी कवरिंग यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट एडिशनली आई थिंक अब वो इजिली लगवा सकते हैं। ओवरऑल रियर प्रोफाइल लुक्स रियली गुड। मुझे पर्सनली ये बाइक काफ़ी मास मार्केट वाली लगी है, और 200 cc है, जिस तरह का सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी प्राइस कोई बहुत ज़्यादा होगी, हालांकि कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब इस बाइक की वर्सिटैलिटी है जिसने मेरा दिल जीता। 150 kgs का बहुत लाइट वेट है इस बाइक का वेट, और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपको पसंद आने वाली है। उससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हो जाती है, एडवेंचर बाइक आपको मिल जाती है लुक, क्योंकि एडवेंचर बाइक वाला मिलेगा जिसमें आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है, और वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और पावर भी अच्छी खासी जनरेट करता है। और सबसे ये चीज़, 200 cc मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो प्राइस है काफ़ी अफोर्डेबल सेगमेंट में आने वाला है। और इतना ही नहीं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डिस्क ब्रेक्स और ड्यूल चैनल ABS भी प्रोवाइडेड है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जोंटस,
U1200 नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, मुझे तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट करके, और मैं मिलता हूँ सब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।